सो गाइस, पहला ट्रिक है तुम लोग का ये पोगो स्टक पे। तो तुम लोग को पहले इस लेवल पे आना है, उसके बाद तुमको यहाँ पे आके बैठना है, उसके बाद तुम लोगों को आगे जाने वाला और जंप वाला बटन एक साथ दबा के छोड़ देना है, उसके बाद तुमको फॉरवर्ड वाला बटन दबाना है ताकि फ्लिप कर जाओ, उसके बाद तुमको आगे वाला लेवल कंप्लीट कर सकते हो तुम लोग। तो अब तुम लोगों को इरेस्पॉन्सिबल डैड पे आना है और लेवल वन पे इस लीवर को घिसने के बाद तुम लोग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड को बारी बारी से दबाना, देखो ऐसे, ताकि तुम लोग ऐसे हवा में उड़ जाओगे। रुको, तो तुम लोग को ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड को बारी बारी से दबाना, पहले बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, पहले बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, ताकि तुम लोग जंप कर ऐसे करके। तो भैया क्या है, तो तुम लोग को आगे आके आके यहाँ पे तुम लोग ऐसे करके हवा में उड़ने लगोगे, देखो कुछ देर के लिए। तो फिर ऐसे करके तुम थोड़ा सा मज़ा ले सकते हो, मतलब ये फन ट्रिक है इसलिए। तो यहाँ पे आके तुमको ऐसे वर्क कर सकते हो तुम। तो आयरन मैन बनने के लिए तुम लोगों को व्हीलचेयर गाय के लेवल वन पे आना है, उसके बाद तुम लोगों को ये एलिवेटर को पार कर देना है पहले। तो ये एलिवेटर पार हो रहा है अभी। तो एलिवेटर पार होने के बाद तुम लोगों को बैकवर्ड का बटन और ये लॉन्च और बूस्ट का बटन तुम लोगों को एक साथ दबाना है, ये देखो ऐसे और ऐसे, और तुम लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करना है। बिल्कुल, लॉन्च और बूस्ट का बटन एक साथ दबाना है, बैकवर्ड और लॉन्च का बटन एक साथ दबाना है, ताकि तुम लोगों को हवा में उड़ सकोगे। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले मेरे से भी नहीं हुआ था लेकिन अब हो सकता है, ये देखो। तुम लोग थोड़ा सा बैलेंस करना है, तुम लोग हवा में उड़ने लगोगे। तो ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मैंने भी बहुत किया था इसे। तो व्हीली मारने के लिए तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबल डाइट पर फिर आना है, उसके बाद तुमको ये वाला लीवर खींच के पहले ये लिफ्ट वाला पार कर लेना है, उसके बाद तुम लोगों को बैकवर्ड वाला बटन और आगे जाने वाला बटन को दबाना है, एक साथ नहीं दबाना, पहले तुम लोग को बैलेंस करना है और तुम लोग व्हीली मार जाओगे ऐसे करके। तुम लोग बैलेंस करने का है और कुछ नहीं करने का है। तो भाई लोग, बोनस ट्रिक ये है कि तुम लोग को ये दिख रहा होगा ना, आर स्पेस ए डी, और ये सब तुम लोग दिख रहा होगा। तुम लोग को हैप्पी व्हील्स खेलना और इजी बनाना है, तो फिर तुम लोगों को कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा अडैप्टर से, ऑक्टोपस ऐप यूज़ करके। तो देखो ये सब तुमको दिख रहा है ना, ये ए डी सी, ये सब एस डब्ल्यू, ये सब तो तुम लोग को ऑक्टोपस ऐप यूज़ करना है, और उसके बाद तुम लोग खुद से की मैपिंग करके तुम लोगों को और इजी बना देना है।